तो मैंने 20-20 रुपीज करके 4 से 5 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो उसके बाद बाकी पैसा मैंने घर वालों से ले लिया। आपके जो फैमिली वाले होते हैं वो आपको जॉब करवाना क्यों पसंद करते हैं पता है क्यों? अगर आप एक यूट्यूबर हो या आप यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो, लिटरली ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकता है। तो अपने कानों में ईयरफोन डाल लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला स्मार्टफोन जिससे मैंने अपने यूट्यूब चैनल को शुरू किया था और ये आज भी मेरे पास है और ये वर्किंग कंडीशन में है। मैं आपके सामने कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। इस मोबाइल ने क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में लाए और किस तरीके से ये मोबाइल मैंने लिया था सब कुछ आपको पता चलने वाला है और अभी क्या क्या मेरे पास है, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो कहानी शुरू होती है 2017 से, जब मैं एक शॉप पर काम करता था। वहां पे काफी सारे कस्टमर्स आते थे और पेटीएम उस टाइम 20 रुपये देता था एक नंबर रजिस्टर करने के। तो मैं जहां पर काम करता था वहां पे काफी सारे कस्टमर्स आते थे, तो मैं एक पेटीएम का आईडी बना देता था उनका और पेटीएम इंस्टॉल कर देता था, तो उससे मेरे को 20 रुपये मिल जाते थे। लिटरली मैंने इस तरीके से 4 से 5 हजार रुपये इकट्ठे किए एंड मैंने वीवो Y55S ले लिया। और ये वाला फोन हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। मैं इसको अपने सामने रखता हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ तब मैं इसको अपने पास रखता हूँ, कभी भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं इस वाले फोन को देख लेता हूँ। तो मैंने 20-20 रुपीज करके 4 से 5 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो उसके बाद बाकी पैसा मैंने घर वालों से ले लिया। तो मेरा एक मोबाइल आ गया था 6 से 7 हजार रुपए का आता था ये उस टाइम, और मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था कि क्या प्रोसेस रहता है यूट्यूब से पैसा कमाने का। तो मेरे को सब कुछ समझ आ गया था ऑलमोस्ट। तो उस टाइम भाई बहुत ज्यादा मेहनत मैंने करी, वीडियोस बनाई, बट लिटरली कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। पहली बात तो कि मैंने वीडियोस बनाए मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी, फैमिली वालों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। और आप किसी भी काम को करते हो, जब आपके साथ फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं होता तो आप उस काम में कैसे आगे बढ़ोगे आप ही बताओ। तो मैंने उस टाइम यूट्यूब को क्विट कर दिया था। यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मेरा मन ही नहीं करता था। आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हैं और आप उस काम में ही हाथ डाल रहे हो, वही काम करके दिखाना है। तो अगर आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप वो काम करो फिर भी आप उसी को ही करोगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। उनके सपोर्ट में चलो तभी आप कुछ करके दिखा सकते हो। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, तो बाद में उन्होंने मेरे को सपोर्ट कैसे किया, कैसे वीडियोस बनाने की परमिशन दी? देखो स्टार्टिंग में वो मेरे वीडियोस देखकर हंसते थे कि ये कर क्या रहा है, लिटरली हंसते से सब। तो मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया था। उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए चला गया था कहीं बाहर। तो वहां पे मेरे को 6 महीने का टाइम मिला था, ओनली 6 मंथ मेरे पास थे और मेरे को अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो करना था और साथ के साथ स्टडी भी करनी थी। तो मैंने एक डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के साथ साथ मैंने अपने चैनल को ग्रो करके दिखाया और मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था महात्मा जी टेक्निकल के साथ, उनके चैनल पर अभी भी वीडियो है। वहां पर भी मैंने बताया था कि मैंने 6 महीने के अंदर अंदर अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर गेन किए। मैं जब अपने घर से स्टडी करने के लिए गया तो मेरे 1700 सब्सक्राइबर्स थे और जब मैं वापस आया अराउंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। और हाँ, जब मैं स्टडी करने के लिए गया था तो मेरे पेरेंट्स ने सारा पैसा लगाया था जितना भी खर्चा था एंड वहां पर मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ गया था। तो उसके बाद मैंने वहां से पैसा अपने घर भेजना शुरू कर दिया। तो तब से मेरे को फैमिली वालों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। देखो ये काफी टाइम पहले की बात है, अभी के जो पेरेंट्स हैं ना वो लोग समझने लगे हैं कि अगर आप YouTube पर इस तरीके से वीडियोस बनाओगे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, अभी समझते हैं लोग, पहले इतना कुछ पता नहीं था। और मैं 2019 से YouTube पर रेगुलर हो गया था। उसके बाद मैंने कैमरा खरीदा, बहुत कुछ खरीदा, घर आकर अपना एक स्टूडियो बनाया, बहुत कुछ चेंजेस आ गए थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों से अलग जाकर अपने चैनल को ग्रो कर लिया, मेरे लिए बहुत आसान था वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहां पर वीडियोस बनाता था अगर आपने वहां की कंडीशन देख ली ना, आप लोग बोलोगे कि जुन्नू भाई आपने यहां पे भी वीडियोस बनाए हैं, देख रहे हो ना, मैंने इस तरह के प्लेस पर भी वीडियोस बनाए हैं। मैं एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता था, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देता था, हमेशा वीडियोस बनाने में लगा रहता था, बस कुछ ना कुछ नया मेरे को करना था। तो अगर मैं उस टाइम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता, कभी क्रिकेट खेलता, कभी फुटबॉल खेलता, मेरे सारे के सारे दोस्त खेलते थे जो कॉलेज फ्रेंड थे, बट मैं वहां पे खेलने के लिए नहीं जाता था, मैं उस टाइम भी वीडियोस बनाता था। तो आप लोग देख रहे हो मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता था पहले और हंसी मजाक भी बहुत करता था, बट एक टाइम पे सीरियस
होना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये सब बातें बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो कि ये मेरे पास होना चाहिए, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने एक छोटे से स्मार्टफोन से इतना कुछ कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और मेरे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं था, एक छोटा सा गोरिल्ला पॉड था 100-200 रुपए वाला, उसको ही मैं कहीं पे भी फिट कर लेता था, तब मैं वीडियोस को बनाता था और Q&A वगैरह भी सब ऐसे ही नॉर्मली बना लेता था। एक चेयर भी नहीं थी लिटरली। आई होप आप लोग अंदर से पूरे तरीके से मोटिवेट हो गए होंगे। और अगर अभी की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, तो यार देखो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। आप लोग साथ में हो यार, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। इतने सारे लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो अपलोड होते ही आप लोग वीडियोस को देखते हो, लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और भी काफी सारे अचीवमेंट्स है, दिल्ली में स्टूडियो बना लिया। दिल्ली में रहना भाई एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और मैं अभी दिल्ली में परमानेंट शिफ्ट हो चुका हूँ। और भी काफी सारे अचीवमेंट्स है भाई, iPhone 13 Pro Max ले लिया, 12 ले लिया था और वीवो के फोन, भाई फोन की तो कमी नहीं रहती, एक छोटे से स्मार्टफोन से शुरू करके यहाँ तक आ गया। मैं ना पहले बहुत सारे एक्सक्यूज देता था कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये कैसे करूंगा, तो ये सब मैंने अचीव करा, वीडियोस बना बना कर मैंने उसके बाद सब कुछ खुद से खरीदा, फिर मैंने घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं लिया। और फैमिली वालों का सपोर्ट आपको तब मिलना शुरू होता है जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो। देखो फैमिली वालों की मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके जो फैमिली वाले होते हैं वो आपको जॉब करवाना क्यों पसंद करते हैं पता है क्यों? बिकॉज वहां से आपको पहले महीने से ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई भी बिजनेस करो, पहले महीने से पैसा किसी किसी बिजनेस में मिल जाता है, बट यूट्यूब पर ऐसा नहीं है, आपको कुछ महीने देने पड़ते हैं अगर आप अच्छे वीडियोज बनाते हो, उसके बाद आपके पास इतना पैसा आता है कि जॉब कुछ भी नहीं है। बट वो बात आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे और कुछ कुछ समझ भी जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अलग भागने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रह के आसानी से कर सकते हो, लुक छिप के कर लो काम भाई, लेकिन करो। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे पास काफी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि जुन्नू भाई हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो भाई डिमोटिवेट होके आप अपना ही नुकसान करते हो, खुद आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्या जरूरत है यार डिमोटिवेट होने की। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको और मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, सबको हर्ट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।